जोहान्सबर्ग का न्यू वॉन्डर स्टेडियम तैयार है 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज के आगाज के लिए। साउथ अफ्रीका बनाम भारत, पहला गेंद 2 स्लिप के साथ, ये इसके लिए जाने जाते हैं। यॉर्कर इनकी प्राथमिकता है, ये इनका सबसे बड़ा हथियार है। क्लीन बॉल, वो विकेट जो चाहिए था। जहाज बनकर खुद उड़ रहे हैं, सामने बल्लेबाज को उड़ा दिया। और स्विंग परेशानी, अपील एक बार फिर, विकेट, दो बैक टू बैक, क्या बात हर्षदीप। Origin decision out, pitching in line, impact in line, wickets umpire's call. You're on screen, make a signal please. Hat trick pe Asdeep Singh. Makram. Is ballebazi kram ke stump. अंदर आती गेंद, हाइट, उम्मीद जरूर जागी थी मगर हैट्रिक होगी नहीं। सफल ओवर मगर जरूर 2 विकेट इस ओवर से आए। गेंद थोड़ी सी छोटी थी लेकिन अब सेटल्ड विकेट, उसकी पेस और बाउंस का अच्छा अंदाजा। यहां पे ऊंची गई है गेंद लेकिन एकदम केएल राहुल के दस्तानों में। हर्षदीप को विकेट मिली, हल्की थी वो छोटी वाली, लेंथ पे मिली। मौका पूरी तरीके से मौका, आवेश खान पहले ही ओवर में, विकेट एक और हर्षदीप के लिए, आज हर्ष में है। चौथी सफलता भारत के लिए और चारों विकेट हर्षदीप के नाम, बड़ी विकेट हेनरी क्लासन। पांचवी खेले पिछले ओवर में हर्षदीप, यहां पे आवेश खान, ध्वस्त किया है दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी को भारत के पेसर्स ने। पहली गेंद ऊपर स्टंप्स के सामने, सूझबूझ के साथ, प्लानिंग के साथ आवेश खान ने चौथा किया है वियान मुल्डर को उनकी पहली गेंद पे। बॉल ट्रैकिंग कमिंग अप, ओरिजिनल डिसीजन आउट, हैट्रिक पे होंगे आवेश खान। एक और विकेट तीसरी आवेश खान के लिए, लूज शॉट डेविड मिलर से, परेशानी में टीम पहले ही थी। भारत को लगेगा जो दक्षिण अफ्रीका की आखिरी उम्मीद की किरण थी मिलर के रूप में, उसकी विकेट ने काम तमाम कर दिया। अच्छा शॉट ऑन दी अप, वहां पे आपको कोई भी फील्डर नजर आएगा नहीं, उस तरीके से गेंदबाजी रही है, इसी वजह से अटैकिंग चल रहा है वो फील्डिंग का भी, तो ये 4 रन मिलेंगे। इस बार हाथ खोलने का मौका ऑफ साइड पे, 4 और ओवर कॉम्पेंसेट कर गए ऐसा लगा। मुश्किलें बढ़ती चली गई हैं और उन्हें अब दोगुना कर दीजिए। केशव महाराज को भी जाना पड़ेगा वापस, 8वीं विकेट का पतन हो गया है। आवेश के नाम ये चौथी सफलता। अगर अर्जी पिछले शॉट पे नहीं आई थी तो इस शॉट पे जरूर आ जाएगी। 6 और ओवर की समाप्ति, एक महंगा ओवर जिसमें 11 रन आए। आखिरी उम्मीद ये ओवर, आखिरी 6 गेंदे जो अपनी स्पेल में बची हैं हर्षदीप के पास। पहली गेंद स्टंप्स के सामने है, बिल्कुल है, पंजा खोला है, डिजर्व करते हैं हर्षदीप सिंह। एक दिवसीय क्रिकेट में आज सिर्फ खाता नहीं खोला, आज पंजा खोला है हर्षदीप सिंह ने। बॉल ट्रैकिंग कमिंग अप, ओरिजिनल डिसीजन आउट, पिचिंग आउटसाइड ऑफ, impact in line, wicket sitting, Bongani stay with your original out decision, stand by, onside, वहाँ पे फील्डर नहीं, स्क्वेयरले के इलाके में, फिर बाहरी किनारा, स्लिप्स के ऊपर से, थर्ड मैन नहीं, डीप पॉइंट पे फील्डर, ये विकेट के अतिरिक्त प्रयास में यहाँ पे 8 रन मिले दक्षिण अफ्रीका को। प्राइस टैग लगा रहे, कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो कोशिश सिर्फ वक्त की बात थी। कुलदीप यादव ने उनके डिफेंस को तोड़ा है और एक विकेट अपने नाम भी की है। 5 हर्षदीप के लिए, 4 आवेश और कुलदीप यादव ने दिए हैं फिनिशिंग टचेस इस पारी को मात्र 116 के स्कोर पे।
पूरी दक्षिण अफ्रीका की पारी को ढेर किया है भारतीय गेंदबाजों ने। 50 ओवर 117 रन केवल चाहिए, वाइड रन रेट 2.34 की रहेगी। पलड़ा भारत का भारी एन मार्क्रम यही सोच रहे होंगे कि स्कोर बोर्ड पे इतने रन है नहीं, अब यहां से अगर इस मुकाबले में वापसी करनी है तो शुरुआती विकेट्स निकाल के दबाव डालने की कोशिश करनी पड़ेगी इस भारतीय बल्लेबाजी के क्रम के खिलाफ। पहली गेंद ऊपर रखने की कोशिश थी, सोच थी कि थोड़ा सा स्विंग मिले, जिस तरह से अर्शदीप को स्विंग मिला था गेंद ऊपर रख के, या मुकेश को नई गेंद के साथ स्विंग मिला था। लीजिए पहली गेंद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर और चौके के साथ साई सुदर्शन ने अपना खाता खोला है। लाइसेंस है ऋतुराज गायकवाड़ के पास, लाइसेंस का किया भरपूर इस्तेमाल, मिले चार डाउन द ग्राउंड। लीजिए चार और साई सुदर्शन के नाम, एक और बेहतरीन स्क्वायर ड्राइव, दूसरा चौका उस क्षेत्र में है इस बाएं हाथ के बल्लेबाज के नाम। स्माइल उनके चेहरे पे लगा था और ये स्माइल आपके चेहरे पे जरूर देगी अगर आप साई सुदर्शन के फैन हैं। ये तीसरा चौका और ये ऐसा लगा वो थोड़ा बहादुरी वाला शॉट, थोड़ा आगे भी आए, क्या लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, जरूर आगे की तरफ है, बहुत आगे है ये गेंद। आइए कह रहे हैं मुल्डर के आउटस्विंग डाला है, मैंने इनस्विंग नहीं डाला है, आप डीआरएस ले लीजिए, कैप्टन से मांग कर रहे हैं। देखिए पिछली बार तो चूक हो गई थी, रिव्यू लिया नहीं था जहां लेना चाहिए था, क्या यहां पे रिव्यू लिया है? ओ अंतिम समय पे ले लिया है। ओरिजिनल डिसीजन नॉट आउट, पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन, विकेट सिटिंग, रिचर्ड चेंज योर ओरिजिनल नॉट आउट डिसीजन, आई लेट यू नो व्हेन यू आर ऑन स्क्रीन, यू आर ऑन स्क्रीन, मेक अ सिग्नल। पहली गेंद है ये जिसका सामना किया है इस पारी में श्रेयस अय्यर ने, आपको लगेगा ये बने हुए क्रीज पे पिछले 10 ओवर से, क्या लाजवाब चौका है। ओ छोटा गेंद पुल किया और किस तरीके से कंट्रोल में थे, नियंत्रित थे, खूबसूरत शॉट, चार रन। ये अच्छा शॉट है लेकिन आज आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो रहा है, लेकिन भारत के लिए तेज हो गया। सुबह में लग रहा था कि बॉल रुकेगा लेकिन आज नहीं, अब नहीं। उसी का उदाहरण यहां पे, जगह बनाई लेग स्टंप की तरफ, फॉलो किया केशव ने लेकिन कवर्स के ऊपर से बेहतरीन शॉट। और ये खासियत है इस बल्लेबाज की कि स्पिनर्स के अगेंस्ट जिस तरीके से खेलता है बहुत ही शानदार तरीके से। साई सुदर्शन डेब्यू पे लग ही नहीं रहे और ये शॉट दर्शनीय, माशाल्लाह क्या बात। एक बार फिर हुए चार के दर्शन, शाबाश सुदर्शन। यहां पर बड़ी जीत, छोटी गेंद, अच्छा कट किया बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, चार रन और। स्वीप किया, बढ़िया किया, शानदार किया, चार किया। साई सुदर्शन ये फास्ट बॉलिंग और स्पिन इक्वली अच्छा खेलता है खिलाड़ी, और उसका एक पहलू स्वीप शॉट भी अगर आप देखेंगे बैकफुट के बाद, ये अच्छा स्ट्रांग पहलू है, पूरी तरह से पिछला घुटना बेंड किया, जमीन पे लगाया और एकदम नीचे की तरफ आए, और कंट्रोल के साथ अलोंग द ग्राउंड स्वीप शॉट, हेड पोजीशन भी बहुत आला और तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ, और उसमें अब 49 रनों का योगदान है डेब्यूटेंट साई सुदर्शन का। श्रेयस अय्यर पैड्स पे गेंद, तोहफा कबूल किया, 9 रन पहली तीन गेंदों पे।
बहुत हल्की है गेंदबाजी, जिस फॉर्म में श्रेयस अय्यर है उनके सामने एक ही ओवर में दो माइलस्टोन्स की सेलिब्रेशन, युवा साई सुदर्शन, लेकिन यहां अपना 18वां शतक, श्रेयस अय्यर को मुबारक। बैट यहां पे भी फेंका है, ये गेंद काफी दूर थी इसीलिए ये विकेट मिली है पेक्यू क्वेयो को। श्रेयस अय्यर जाते थे, कंट्रोल में नहीं थे, बाहर की लाइन थी, विकेट मिली जरूर है लेकिन दक्षिण अफ्रीका जानती है भारत जीत से सिर्फ एक ही हिट दूर। और शतक के बाद श्रेयस अय्यर आउट। यहाँ पे जल्दी से वो 6 रन बटोरना चाहते थे, मैच को ख़त्म करना चाहते थे, जरूर निराश होंगे जिस तरह से आउट हुए, लेकिन अच्छी पारी, थोड़ा परेशान होते हुए वापस जाते हुए एक और सुदर्शनीय शॉट साई के बैट से, 2 रन की आवश्यकता जीत के लिए। और रचनात्मक होना चाहते थे, उतना उछाल गेंद में मिला नहीं। विनिंग रन्स भारत के लिए, एक दिवसीय श्रृंखला की जीत के साथ नहीं, एक डोमिनेटिंग जीत की दास्तां लिखी है जोहान्सबर्ग के पुलरिंग वॉन्डरर्स पे इस युवा भारतीय टीम ने। मुकाबला इस श्रृंखला का पहला जो गया भारतीय टीम के नाम, 8 विकेट से यह जीत सुनिश्चित की जिसकी नींव रखी थी अर्शदीप सिंह के एक दिवसीय करियर के पहले पंजे ने। 4 विकेट मिली आवेश खान को, आखिरी विकेट अपने नाम की थी कुलदीप यादव ने, और फिर 117 के इस लक्ष्य को आसानी से पूरा किया